मैथ्स में सब्ट्रैक्शन अप टू 20 स्टार्ट किया हुआ है और आज हम एक नए मेथड से सब्ट्रैक्शन अप टू 20 को सॉल्व करना सीखेंगे। वो मेथड है नंबर लाइन मेथड। इसमें एक नंबर लाइन है हमारे पास, उसको कैसे यूज करना है और उस पर सब्ट्रैक्ट कैसे करना है वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। एक्सरसाइज भी साथ में होगी और कुछ एग्जांपल भी होंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन। आफ्टर दैट यू कैन वॉच ऑल वीडियोस व्हेन आई अपलोड इट। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने से उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, नंबर लाइन सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले मैं आपको एक ये नंबर लाइन के बारे में बता देता हूं। वी हैव अ लाइन हियर, यहां पर हमारे पास एक लाइन है एंड ऑन दैट लाइन वी पुट काउंटिंग अप टू 20। यहां पर हमने एक काउंटिंग लगाई है जो कि 1 to 20 तक हमने लिखी है, राइट। अब इस पर सब्ट्रैक्ट कैसे करने हैं वो सीखते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं, सब्ट्रैक्ट ऑन नंबर लाइन। वी हैव नंबर 17 हियर एंड वी नीड टू सब्ट्रैक्ट नंबर 3 आउट ऑफ 17। सो लेट्स फाइंड वेयर इज नंबर 17 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में हमारे पास नंबर 17 कहाँ है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। हेयर वी गोट नंबर 17। ओके बेटा, यहां पर हमें मिला है नंबर 17। अब जब हमें यहां नंबर 17 मिल गया है, यहां एक एरो का निशान लगा लीजिए बिकॉज दिस लाइन रिप्रेजेंट्स नंबर 17 हियर। ओके, अब हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? आउट ऑफ 17 वी नीड टू कट और वी नीड टू सब्ट्रैक्ट, वी नीड टू माइनस नंबर 3। नंबर 3 मींस बैकवर्ड काउंटिंग, हमें 3 स्टेप बैक आना है। बैकवर्ड काउंटिंग यूज करने के बाद हमें 3 स्टेप बैक आना है। कैसे आना है? बैक मीन्स अभी हम चले थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे आए थे 17 तक। अब हमें बैक आना है, 17 में से एक स्टेप जब बैक आएंगे तो नंबर 16, 16 से एक और स्टेप जब वापस आएंगे नंबर 15, और ये जो तीसरा स्टेप जब वापस आए तो यहां एक और नंबर की लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, दैट नंबर इज नंबर 14। तो हम कितने स्टेप वापस आए? हम आए 1, 2, 3, 3 स्टेप्स वापस आए। क्यों आए? क्योंकि हमें 17 में से नंबर 3 सब्ट्रैक्ट करना था, तो हमें 3 टाइम बैकवर्ड काउंटिंग या बैक स्टेप आने से हमें अपना रिजल्ट या अपना नंबर या अपना आंसर मिला यहां नंबर 14। ये हमारा क्या है? आंसर। समझ में आया बेटा? एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमें क्या करना है? नंबर लाइन पर ही 19 में से सब्ट्रैक्ट करना है 9। आउट ऑफ 19 वी नीड टू सब्ट्रैक्ट नंबर 9। सो हियर वी हैव नंबर लाइन एंड नंबर लाइन पर हमारे पास नंबर है 1 to 20। देख रहे हो आप, यहां हमारे पास नंबर है 1 to 20। अब हमें ध्यान रखना है कि कौन से नंबर पर सबसे पहले आना है? बड़े नंबर पर। बड़ा नंबर कौन सा है? बिगर नंबर कौन सा है? 19। सब्ट्रैक्शन में हम बड़े नंबर पर पहले जाएंगे और एडिशन में हम छोटे नंबर पर पहले जाएंगे। छोटे मीन टू से कि असेंडिंग ऑर्डर में और यहां डिसेंडिंग ऑर्डर में। सब्ट्रैक्शन हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में और एडिशन हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। बात समझ में आई? असेंडिंग मतलब
चढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग मतलब उतरते क्रम में। बात समझ में आई बेटा? तो अब हमें करना क्या है वो देखते हैं। नंबर 19 देखिए कहाँ है। नंबर 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, हेयर इज नंबर 19 वी हैव, और ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ एरो लगा दीजिए नंबर 19 को। कितने स्टेप बैक आना है, बैकवर्ड काउंटिंग कितने स्टेप तक करनी है, 9 स्टेप। लेट्स काउंट 9, यहाँ बैकवर्ड काउंटिंग में 9 स्टेप काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ हम जब 9 स्टेप काउंट करके बैकवर्ड काउंटिंग से आए हैं, वो कौन सा नंबर पहुंचा है, वो है नंबर 10। यानी कि 19 - 9 = 10, वो हमारा रिजल्ट आया है। यहाँ हम लिख सकते हैं आंसर बॉक्स में नंबर 10। बात समझ में आई बेटा? ये हमारा जो आंसर आया 19 - 9 = 10। ओके, अगला एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास नंबर है 16। 16 में से हमें कट करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कितना नंबर 5। तो सीधा नंबर 16 को सर्कल कीजिए, और 16 वाली जो लाइन है यहाँ पर एरो मार्क कीजिए, और कितने स्टेप बैक जाना है वो देख लीजिए। 5 स्टेप बैक जाना है। 1 2 3 4 5 स्टेप जब हम बैक गए तो हम पहुंचे नंबर 11 पर। मीन टू से इफ वी सब्ट्रैक्ट 5 out of 16, वी गोट नंबर 11, वी गोट आंसर नंबर 11। यू नीड टू राइट 11 इन आंसर बॉक्स। बात समझ में आई बेटा? बहुत आसान है, ध्यान से एक बार समझेंगे तो आ जाएगा। वीडियो पे लगातार बने रहें, आप देखते रहिए अगला एग्जाम्पल। वीडियो में वापस आए बेटा, देखिए देखिए देखिए, नंबर 19 जब यहाँ आता है हमारा, 19 पे सर्कल कर लीजिए, यहाँ एरो मार्क लगा लीजिए, क्योंकि ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 19 को। कितने स्टेप बैक जाना है, 7 स्टेप। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हम जब पहुँचे हैं तो मींस हम 12 नंबर पर पहुँच गए। कितने स्टेप बैक जाने के बाद, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप बैक जाने पर हम पहुंचे नंबर 12 पर। 7 स्टेप बैक क्यों किए, क्योंकि हमें 19 में से 7 सब्ट्रैक्ट करना था। 19 में से 7 जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, वी गोट नंबर 12। दिस इज आवर आंसर। बात समझ में आई बेटा? ये आ गया हमारा आंसर। एक और एग्जांपल देखेंगे इसका, और इतने एग्जांपल करने का सबसे बड़ा फायदा यही है बेटा कि हमें अच्छे से सीखना है, मजबूती के साथ सीखना है। वापस आ जाइए वीडियो में, देखिए नंबर 15 कहाँ है। दिस इज नंबर 15, एरो मार्क किया, सर्कल कर लीजिए 15 को। कितने स्टेप बैक जाना है, 15 में से माइनस कितना करना है, नंबर 4। 15 में से 4 स्टेप जब बैक करेंगे, यानी माइनस 4 करेंगे, 1 2 3 4, वी रीच्ड एट नंबर 11। सो 15 - 4 = 11, हियर वी गोट आंसर नंबर 11। बड़ा ही आसान मेथड है, ध्यान से सीखोगे तो आ गया आपको, ठीक है। अब ये आपके लिए है हमारा आज का होमवर्क। होमवर्क मींस आपको नंबर ए बी सी डी, ये 4 क्वेश्चन इस नंबर लाइन के थ्रू अपनी नोटबुक में करने हैं, और इन सब के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में डालकर बताने हैं कि आपका आंसर क्या आया है। लेट मी चेक कि आपको कितना समझ आया है। अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो इनके आंसर जरूर कमेंट में बताओ।
पाओगे। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।